हमारा काम है आसान बनाना गणित को। तो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दे रखा है, कोस ए और टेन ए का मान पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि हम जानते हैं कोस ए बराबर फुल में क्या रहता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए रहता है। ठीक है, अब साइन ए बराबर हमें क्या दिया है, तीन बट्टे चार, तो कोस ए बराबर कितना आ गया, एक माइनस साइन के जगह कितना रख दिया, तीन बट्टे चार, और इसका स्क्वायर एक माइनस नौ बट्टे सोलह, यानी सोलह माइनस नौ बट्टे सोलह, सोलह माइनस नौ कितना आ गया, सात, नीचे सोलह का अंडरूट, अलग अलग अंडरूट लेने पर ऊपर नीचे, ठीक है, सोलह का अंडरूट कितना आ गया, चार, ये आपके पास आ गया कोस ए का वैल्यू। अब टेन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, टेन ए हम जानते हैं क्या रहता है, साइन ए बट्टे कोस ए, साइन ए का वैल्यू कितना है, तीन बट्टे चार, इसका कितना है अंडरूट, सात बट्टे चार, चार बट्टे में है, ऊपर भी बट्टे में कैंसिल हो गया, कितना आ गया, तीन बट्टे अंडरूट सात। तो इस तरीके से देखिए आपका आसानी से जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज लेके हम ज्ञात करते हैं, उसमें आपका कर्ण और लंब ज्ञात करते हैं, और वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारा आंसर आता है। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, यदि कम नंबर का क्वेश्चन दे रखा है तो ऐसे डायरेक्ट चुटके में निकाल सकते हैं, ज़्यादा का होगा तो इसका थोड़ा लंबा चौड़ा कर दो, कैसे, चूँकि ये फॉर्मूला होता है ऐसे अलग अलग स्टेप करके।